नेक्स्ट है न्यूक्लियर फोर्सेस. न्यूक्लियर फोर्सेस बताया मैंने, न्यूक्लियर फोर्सेस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर की, जो कि न्यूक्लियॉन्स को बांध के रखती हैं. तो न्यूक्लियॉन्स में प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन से दूर भागना चाहते हैं, पर फिर भी ये इतनी स्ट्रांग है कि दूर भाग नहीं पाते. तो इसमें न्यूक्लियर फोर्सेज आर द स्ट्रांगेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड टूगेदर द न्यूक्लियॉन्स इन अ टाइनी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम डिस्पाइट ऑफ वॉट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन. राइट. अब इसमें इनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं. क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या खास बात है इनकी? पहली खास बात यह है कि ये फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में भी लगती है. न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पे भी लगती है, प्रोटॉन प्रोटॉन पे भी लगती है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है. तो न्यूक्लियर फोर्सेज आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज. दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है ये स्ट्रांगेस्ट फोर्स है नेचर की, बहुत स्ट्रांग फोर्स होती है ये. और तीसरी, ये बहुत शॉर्ट रेंज फोर्स है, बहुत ही कम फर्मी के डिस्टेंस पे कैलकुलेट की जाती है. ये नहीं कि मीटर मोटर पे कोई काम नहीं करती, बहुत ही कम डिस्टेंस पे काम आती है, लगती है. ठीक. और जो नेक्स्ट है इसमें ये ग्राफ, इसमें ये बताया गया है दे डू नॉट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ. मतलब कहीं आप सोचो कि अगर मैं पास ले आऊंगा पार्टिकल्स को, न्यूक्लियॉन्स को, तो ये स्ट्रांग हो जाएंगी, दूर लेके जाऊंगा वीक होंगी, ऐसा कुछ नहीं है. ये लॉ फॉलो ही नहीं करती है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉलो करती है, ये नहीं करती. तो इसके अंदर तो अजीब सी बात है कि अगर डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स बिकम लेस देन 0.5 फर्मी, न्यूक्लियर फोर्स बिकम स्ट्रांगली रिपल्सिव. वैसे ये क्या होती है, अट्रैक्टिव, बांध के रखती हैं, पर अगर कुछ ज्यादा ही पास आ गए न्यूक्लियॉन्स तो ये रिपल्सिव हो जाती हैं. इसका कोई फॉर्मूला भी नहीं है. तो इसका जो ग्राफ है ये मार्क कर लेना, कभी एक नंबर में आ जाता है सीबीएसई में, न्यूक्लियर फोर्स का डिस्टेंस के साथ ग्राफ क्या चलेगा. 0.5 फर्मी की खास बात है, 0.5 फर्मी भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, अट्रैक्टिव से क्या हो जाती है, रिपल्सिव हो जाती है, और ये इसकी वेरिएशन रहती है. ये याद रखना है ग्राफ. राइट.